हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद शेरी। एज दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ द प्रीवियस वीडियो अपलोडेड इन द प्लेलिस्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, तो हम इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टाइलिस्टिक्स को पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, सम हाउ उसका हिस्टोरिकल व्यू भी पढ़ा, एंड उसके बाद हमने सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स को पढ़ रहे थे इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दैट वीडियो। सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स में हमने ये पढ़ा कि माइकल हेलिडे वॉज द पर्सन हु सेड दैट लैंग्वेज वेन एवर यूज हैज़ अ फंक्शन। और आज के हमारी पूरी वीडियो में दिस वुड बी द बेसिक एंड द मेन पॉइंट डेल्ट इन स्टाइलिस्टिक्स इन लाइक यू नो द स्टडी ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। तो हम ये कहते हैं कि लैंग्वेज जहाँ भी यूज होगी दैट वुड बी यूज फॉर अ फंक्शन, ईदर इट इज़ रिलेशन बिल्डिंग, ईदर इट इज़ कम्युनिकेशन, ईदर इट इज़ सोशलाइजेशन, वट एवर द पर्पज इज, लैंग्वेज वुड बी यूज टू परफॉर्म अ फंक्शन एवरी टाइम। ओके, Michael Halliday sees language as a social semiotic system, and he says that it is an instrument used to perform various functions in the social interactions. Moving forward, Michael Halliday says that what is more important is not the man talk, but the men talk. This is the important point कि अगर हम language को देखें तो it is a system of communication, you know. तो man talk means a single person talking. लेकिन जब हम मेन टॉक की बात करते हैं तो मेन टॉक मीन्स टू और मोर टॉकिंग। जब तक एक पर्सन बात कर रहा है और दूसरा पर्सन उसका रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो दैट कम्युनिकेशन इज नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, राइट? तो मैन टॉक की बजाय मेन टॉक इज द थिंग दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, बिकॉज लैंग्वेज इज एसेंशियली अ सोशल एक्टिविटी। This is the main point. Language is a social activity, जिसमें हमारे पास social interaction होता है, A person and B person. So this is the thing. And it is used to perform various functions in the society, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, either it is ordering, requesting, promising, emotion expressing, whatever the function is. Language हमारे पास ये functions perform करती है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द फिलोसफिकल व्यू ऑफ लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज को अगर हम फिलोसफिकली देखें तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज रिलेटेड टू द एक्चुअल अक्रेंस ऑफ इट इन सोसाइटी। यानी कि एक लैंग्वेज इज रिलेटेड टू हाउ अ थिंग एक्चुअली एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, पीपल डू नॉट नेसेसरली डू एवरीथिंग फिजिकल बाय फिजिकल एक्ट्स। यानी कि अगर आपने किसी को ऑर्डर करना है, आप उसको जाके करके नहीं दिखाओगे वो काम कि मैं आपको ये काम करने का ऑर्डर दे रहा हूँ। यू जस्ट यूज योर लैंग्वेज और आप उसको ऑर्डर दोगे और वो बंदा उस ऑर्डर को फुलफिल करेगा, ठीक है? बट ऑल्सो बाय वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम लैंग्वेज का यूजेज कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय टेलीफोन कॉल्स, बाय कॉन्वर्सेशंस, बाय जॉब एप्लीकेशंस। तो इन सारी चीज़ों के बिहाफ पे भी आप एक एक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपने किसी को टेलीफोन कॉल किया तो आपने या तो उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया होगा, या फिर आपने उसको समझाने के लिए कुछ किया होगा, वट एवर योर पर्पज इज बिहाइंड दैट कॉल। तो आपका कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर होगा। उसके बाद कॉन्वर्सेशंस में भी समटाइम गोल ओरिएंटेड होती हैं, समटाइम जस्ट कॉन्वर्सेशन ओरिएंटेड होती हैं, एंड जॉब एप्लीकेशंस आर ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। And all these utterances can be thought of a goal-oriented या goal-directed action. यानी कि हमारी सारी communication के बाद हमारे पास कोई goal है to achieve. Whether it is to perform an act, whether it is to do some order, whether it is to request something or to do anything like that. I'm so sorry. Actually, I'm not feeling a bit well. But let's just move on. For example, अगर हम बात करते हैं कि if someone calls you and just hi, how are you, I hope you're doing well, and he uses this kind of courteous statements, agar to wo bande ke nature ko aap pehle se jante ho to you would be able to know ki iska goal ya iska purpose kya hai. For example, ek banda aapko message karta hi nahi hai, theek hai? Ab this is a very common example in between us, lekin suppose ek banda aapko message hi nahi karta और एक दिन सडनली उसका मैसेज आता है, हे हाउ आर यू, यू हैव नॉट बीन टेक्सटिंग मी फॉर अ वे टू लॉन्ग टाइम, इज एवरीथिंग ऑलराइट, आर यू फाइन, आर यू ओके,
आप उसके इन मैसेजेस से यू वुड बी एबल टू नो व्हाट इज हिज गोल. यू वुड बी अवेयर ऑफ दैट के या ही इज आस्किंग मी एंड लेटर ऑन वो मुझसे ऑब्वियसली कोई काम करवाने वाले. तो उसके इन स्टेटमेंट्स का पर्पस द गोल, ठीक है, टू मेक यू डू समथिंग. तो वो कहता है माइकल हेलिडे का ये कहना था कि ऑल अटेंसेस कैन बी थॉट एज अ गोल ओरिएंटेड या गोल डायरेक्टेड एक्शन. ठीक है, अब हमारे पास आगे डेफिनेशन आ जाती है स्पीच एक्ट की. बेसिकली जो कुछ हमने पहले पढ़ा उसको एक स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन की फॉर्म दे देते हैं कि एक्शंस कैरिड आउट थ्रू लैंग्वेज. ठीक है, द एक्शंस दैट आर कैरिड आउट थ्रू लैंग्वेज आर कॉल्ड द स्पीच एक्ट्स. जैसे अभी हमने किसी को ऑर्डर दिया या किसी को बटरिंग किया या किसी को रिक्वेस्ट किया, ये सारी चीजें हमारे पास स्पीच ओरिएंटेड टास्क हैं, स्पीच ओरिएंटेड एक्ट्स हैं बेसिकली. एंड द सिचुएशन वेयर द स्पीच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इज कॉल्ड स्पीच इवेंट. उस सारी सिचुएशन में ये सारे काम जहाँ हो रहे हैं उसकी जो सिचुएशन है दैट वुड बी द स्पीच इवेंट फॉर यू. ठीक है, अब हम एक लैंग्वेज का जब एनालिसिस करते हैं तो हमें उसको टेक्स्ट की फॉर्म में लाना पड़ता है. ठीक है, अब टेक्स्ट हमारे पास रिटन भी हो सकता है या फिर हमारे पास ओरल भी हो सकता है. अब दिस इज द पॉइंट कि ओरल टेक्स्ट क्या होता है, ओरल टेक्स्ट कैसे एग्जिस्ट करता है. बेसिकली दिस टेक्स्ट इज नॉट व्हाट वी डील विद इन द बुक्स और समथिंग लाइक दैट. अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि ओरल टेक्स्ट से क्या मुराद है. इवेंट्स आर सिक्वेंशियल एंड ट्रांजिटरी. सिक्वेंशियल का मतलब है कि दे आर अकरिंग इन अ सिचुएशन इन अ सीक्वेंस. लाइक अभी दिस इन दिस वीडियो आई हैव बीन टॉकिंग फॉर अबाउट 5 to 6 minutes, राइट. तो वो 5 से 6 minutes में मैंने जितनी बातें की दैट आर अकरिंग इन अ सीक्वेंस एंड ट्रांजिटरी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अब मैंने जो बात की वो गुजर गई ना, दैट वॉज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो इस तरह से अगर मेरी इस वीडियो के अंदर आप चलती हुई मेरी बातों का एग्जामिन करेंगे, उनको उनका एनालिसिस करेंगे तो दैट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है उन स्पीच इवेंट्स को, ईदर थ्रू मेमोरी, हम मेमोरी में रिकॉर्ड कर लें, कमिटेड टू अ टेप और रिटन इन एनी टेक्स्ट बुक, या किसी टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें या किसी टेक्स्ट बुक में हो. तो वो जो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ वो लिखा थोड़ी हुआ है, लेकिन उस इवेंट को हम क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. तो हमें किसी भी इवेंट का एनालिसिस करने के लिए उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है. ठीक है, तो दैट रिकॉर्डेड इवेंट इज बेसिकली द टेक्स्ट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लैंग्वेज इज ऑफन कंपेयर टू अ कोड. अब कोड कैसे है एक लैंग्वेज, कोड का मतलब क्या होता है कि कोई सिग्नल. ठीक है, अब कोड जो दो लोगों के बीच में है, यानी कि पर्सन ए एंड पर्सन बी, उनके बीच में जो कोड है, दिस इज द यू नो सेंडर. सपोज एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा है तो ये सेंडर ऑफ द कोड है, ये रिसीवर ऑफ द कोड है. ठीक है, और इनके बीच में कोड है. तो कोड इज बेसिकली अ यू नो लैंग्वेज इज कंपेयर्ड टू कोड विच मीन्स अ सिस्टम ऑफ सिग्नल्स और सिंबल्स यूज्ड फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन. अब इन एनी कम्युनिकेशन एक्ट, चाहे वो रिटन है या स्पोकन है, लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसलेशन. सिस्टम ऑफ ट्रांसलेशन कैसे है, अब हम जब एक बंदे से बात कर रहे हैं तो हमारे पास वो जो बंदा है उसका माइंड है. ठीक है, माइंड में उसके मीनिंग है, उस माइंड को मीनिंग को उसने ट्रांसलेट किया साउंड में. अब वो साउंड हमारे पास गई दूसरे बंदे के पास. ठीक है, दूसरे बंदे ने उसको ट्रांसलेट किया इनटू मीनिंग. ठीक है, ए पर्सन से साउंड यानी उसके माइंडसेट में मीनिंग था, मीनिंग को उसने साउंड में ट्रांसलेट किया. वो साउंड जब बी पर्सन के पास गई तो उस बी पर्सन ने उस साउंड को वापस ट्रांसलेट किया मीनिंग में. तो यहां तक का जो प्रोसेस था साउंड में ट्रांसलेट करने वाला, उसको इनकोडिंग कहेंगे. ठीक है,
क्योंकि एक बंदे ने अपने माइंड के अंदर जो मीनिंग था उसको इनकोड किया ना। और उसके बाद जो बी वाला है, यानी कि ये जो है ट्रांसलेट करना उसको मीनिंग में, इसको हम डीकोडिंग कहेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये एड्रेसर है, यानी कि जो बात कर रहा है, और ये जो बी पर्सन है ये हमारे पास एड्रेसी है। तो लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मीनिंग्स इनटू साउंड्स एंड लेटर्स इन एड्रेसर्स माइंड, यानी कि राइटर या स्पीकर के माइंड में, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ साउंड्स एंड लेटर टू मीनिंग, पहले क्या था, मीनिंग इनटू साउंड या लेटर्स, अब क्या है, साउंड और लेटर जो बी के पास पहुंचे, यहां पे पहुंचे, उसको उसने ट्रांसलेट किया मीनिंग में, तो दैट इज डीकोडिंग। लेकिन लैंग्वेज कोड्स आर अनलाइक अदर कोडिंग। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक टेलीफोन की ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, इसमें जो ए ने कोड किया वही बी को मिलेगा, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज कोडेड जो हैं, लैंग्वेज कोड्स जो हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, दे आर नॉट लाइक जो ए ने कोड किया वही बी को मिलेगा, ठीक है, दे डू नॉट ऑपरेट इन अ फिक्स्ड वे। इसमें हम न्यू फॉर्म्स और न्यू मीनिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएटिव होते हैं, एक्सटेंडेबल होते हैं, कि अब एक बंदे को, अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव नेम्ड अ पर्सन पांडा, ओके, आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन जिसको नहीं पता कि मैं पांडा किसको कहती हूँ, और मैंने अगर उसको पांडा बोला कि आई सॉ पांडा राइट देयर, तो ही वुड बी कंसर्न कि तुमने पांडा कहाँ देख लिया, पांडा तो यहाँ नहीं हो सकता, ओके, बट इन माई माइंड आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन। लेकिन उस बंदे के दिमाग में क्या आया कि आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल। तो ये होते हैं ओपन एंडेड कोड्स, कि मेरा मतलब उस बंदे तक सही से डिलीवर नहीं हो पाया, लेकिन उसने अपना मतलब तो जरूर निकाला उस कोड से। तो दैट इज व्हाट ओपन एंडेड कोड मींस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेटाफोरिकल और नियोलॉजिज्म। अब हम जितना हमने पीछे टेक्स्ट को डिस्कस किया उसको अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन दें, तो इट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन ईदर स्पोकन और रिटन, सीन एज अ मैसेज कोड्स इन लीनियर पैटर्न्स ऑफ साउंड वेव्स और लीनियर सीक्वेंस ऑफ विजिबल मार्क्स ऑन द पेपर। पैटर्न ऑफ साउंड वेव्स, जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं जो जो बात कर रही हूँ दैट इज अ पैटर्न ऑफ साउंड वेव्स, राइट, मैं साउंड वेव्स क्रिएट हो रही हैं और वो रिकॉर्ड हो रही हैं, और जब मैं लिख रही हूँ ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं दैट आर द सीक्वेंस ऑफ द विजिबल मार्क्स ऑन द पेपर। तो बेसिकली टेक्स्ट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन ईदर रिटन और स्पोकन, सीन एज अ मैसेज इनकोडेड इन लीनियर पैटर्न्स ऑफ साउंड वेव्स या फिर ऑफ विजिबल आइटम्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच इवेंट्स, आई नो दिस वीडियो इज गेटिंग लेंथी बट मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। अब हमारे पास स्पीच इवेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं ना, वो हमारे पास तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, सब्सटेंशियल, फॉर्मल एंड सिचुएशनल। सब्सटेंशियल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कि जिसमें हमारे पास हम सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है, कि एक स्पीच इवेंट परफॉर्म कैसे हो रहा है, सब्सटेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर वो रिटन है तो सब्सटेंस वुड बी पेपर, लेकिन अगर वो ऑरल है तो सब्सटेंस वुड बी साउंड वेव्स, ठीक है, द मार्क्स ऑफ एयर आर द सब्सटेंस ऑफ स्पीच इवेंट, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज इज ट्रांसमिटेड बाय एयर और विजिबल मार्क्स ऑन द सर्फेस। तो अगर विजिबल मार्क्स की बात की जाए तो वो पेपर है, एयर की बात की जाए तो वो साउंड वेव्स है, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे जो मार्क्स हैं, चाहे वो मेरे बोलने के हैं चाहे वो मेरे लिखने के हैं, दैट वुड डेफिनेटली बी इन अ फॉर्म, ठीक है, वो ऐसे जम्बल्ड अपॉन ईच अदर नहीं होंगे, वो ऐसे स्कैटर्ड नहीं होंगे, क्योंकि अगर स्कैटर्ड होंगे तो यू पीपल वुड नॉट बी एबल टू डी कोड वट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो वो एक फॉर्म में होंगे और वो फॉर्म को हम कहेंगे फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच इवेंट, ठीक है, दे आर अरेंज इन अ पैटर्न विच इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ द स्पीच इवेंट एंड द फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच इवेंट। लास्ट आ गया सिचुएशनल एस्पेक्ट। सिचुएशनल एस्पेक्ट में हम ये कहते हैं कि लैंग्वेज डू नॉट अकर इन आइसोलेशन, ठीक है, इट अकर विद अदर ह्यूमन एक्टिविटीज एंड टेक्स प्लेस इन एन एक्स्ट्रा टेक्सचुअल सर्कमस्टेंस। कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी बात हम कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में अकर करेगी, बिकॉज ओके लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरे जो जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू कन्वे द मीनिंग ऑफ स्टाइलिस्टिक्स टू यू, राइट,
आई एम ट्राइंग टू कन्वे द एस्पेक्ट ऑफ स्पीच इवन टू यू. तो वो मेरा एक टेक्सचुअल सर्कमस्टेंस है, ठीक है, एक मेरी सिचुएशन है. इसमें हम एक्स्ट्रा टेक्सचुअल सर्कमस्टेंसेज जो होते हैं, अब जो मेरी बात के अलावा जो सर्कमस्टेंसेज हैं जिनमें मैं बात कर रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, दीज आर कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ द स्पीच इवेंट. ठीक है, अब सिचुएशन को हम सेपरेटली डिफाइन कर लेते हैं. इट इज़ एनीथिंग सराउंडिंग द स्पीच इवेंट, एनी नॉन लिंग्विस्टिक एनवायरमेंट और सेटिंग. अब ओके, यू आर वॉचिंग जस्ट दिस थिंग, यू आर वॉचिंग दिस पेज ऑफ अ फोल्डर एंड यू फील लाइक दिस इज द ओनली थिंग. बट इन एक्चुअल अगर हम इसको जूम आउट करें तो देर इज अ कंप्लीट मेसी सेटअप. ओके, तो अब ये जो कंप्लीट मेसी सेटअप है, दैट इज दिस सराउंडिंग, दैट इज नॉन लिंग्विस्टिक एंड सेटिंग. ठीक है, नॉन लिंग्विस्टिक है ना, कि अब ये सारी चीजें हम लिंग्विस्टिक्स में तो नहीं ला सकते ना. उसके साथ जो सेटिंग है, दीज आर द सिचुएशन ऑफ माई स्पीच इवेंट. ओके, इट इज प्रीटी सिमिलर टू कॉन्टेक्स्ट. सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो सकती है, यानी कि अ कॉन्टेक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सिचुएशंस इन कोलोकेशंस. यानी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, स्पेशली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटरेंस इज कॉल्ड द सिचुएशन. अब कोई भी स्पीच इवेंट होगा, लाइक एनी स्पीच इवेंट, मस्ट बी द पार्ट ऑफ अ सिचुएशन. And there is always a contextual relationship between substance and the form of an event. यानी कि contextual relationship होता है substance and the form of an event पे. Plus substance and situation में भी होता है, ठीक है. इनको collectively हम कहते हैं, ये complete meaning ऐसे ही convey करते हैं जब ये substance plus situation plus form equals to मीनिंग. क्योंकि सब्सटेंस अगर सही हो लेकिन सिचुएशन सही ना हो और फॉर्म सही ना हो तो भी मीनिंग नहीं कन्वे होगा. अगर सब्सटेंस और सिचुएशन सही है, फॉर्म सही नहीं है, तो भी मीनिंग कन्वे नहीं होगा. अगर सब्सटेंस और फॉर्म सही है लेकिन सिचुएशन सही नहीं है, तो भी मीनिंग कन्वे नहीं होगा. तो दीज थ्री आर टू बी वर्किंग टुगेदर टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग. सो कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन मीनिंग्स ऑफ फीचर्स इन द सिचुएशन.